Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So, today's topic is air around us. Let's learn about air is all around us, components of air, air supports life, balance of oxygen and carbon dioxide in nature, importance of air. Air is all around us. Air is a mixture of various substances, gases, and solids. Air is a form of matter that has mass and occupies space.

Air contains a large number of dust particles. These particles remain suspended in air for a very long period of time. The amount of dust particles will vary from one place to another. The dust particles decrease the visibility. Rainwater helps to settle down the dust particles after it has rained. Because this reason, वी आर एबल टू सी क्लियरली अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस तो आपकी जो हवा में अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनके साइजेस अलग अलग होते हैं इनकी वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है बारिश के पानी की वजह से ये डस्ट पार्टिकल सेटल होते हैं जिसकी वजह से आपको दूर तक आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है Similarly, if we do not wipe our glass mirror, it appears hazy due to deposition of dust particles on the mirror. Whenever you wear spectacles, you clean the lens because dust particles settle on it. Since air contains dust particles, it is advised to breathe through nostrils because our nose has fine hair and mucus, which filters all the dust particles and allows only clean air to reach our lungs. आप कभी भी अपने स्पेक्टिकल्स देखेंगे उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स की वजह से धूल मिट्टी जम जाती है जिसे तो पहनने से पहले आप इसीलिए उसको साफ करते हैं सिमिलरली आपको एडवाइस करा जाता है कि सांस हमेशा नाक से लीजिए मुंह खोल के मत लीजिए क्योंकि आपके नोस्ट्रल्स में फाइन हेयर होते हैं जो आपकी डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं और आपके लंग्स में प्रॉपर प्योर एयर जाती है Fact file. Air also contains tiny solid particles called aerosols, such as dust, sea salt, and ash from erupting volcanoes or forest fires. एरोजोल्स अफेक्ट क्लाइमेट बाई हेल्पिंग क्लाउड्स फॉर्म एंड शेडिंग द प्लानट बाय स्कैटरिंग और ऑब्जॉर्बिंग सनलाइट तो आपकी जो टाइनी सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं एरोजोल्स ये आपको अलग अलग चीज़ों में लाइफ में हेल्प करते हैं जैसे आपके जो वुल्कैनिक इराप्शन से गैसेज आती हैं उनको ऑब्जॉर्ब करता है ताकि ये आप तक ना पहुंच पाए सनलाइट की बहुत ही ज्यादा हार्श रेज होती हैं उन उनसे भी आपको Hai. Number two, air also contains water vapor. When you take out a cold water bottle from freezer, immediately you will see formation of droplets on the water bottle made up of glass. This happens because water vapor present in air condenses as soon as it becomes in contact with water.

से होता है क्योंकि वाटर वेपर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद एक फ्रॉस्ट बना लेता है नंबर वन नाइट्रोजन 78 परसेंट नंबर टू ऑक्सीजन 21 परसेंट नंबर थ्री कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 परसेंट नंबर फोर वाटर वेपर वेरिएबल नंबर फाइव डस्ट वेरिएबल नंबर सिक्स अदर गैसेस 0.1 परसेंट तो ये आपके अर्थ में जितनी भी गैसेस होती हैं एयर में प्रेजेंट उनकी परसेंटेज गिवन है आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की बर्निंग एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए एयर की जरूरत है क्योंकि ऑक्सीजन आपको एयर में ही मिलता है नंबर फोर एयर हैज वेरियस मटेरियल्स एयर हैज मेनी मटीरियल्स इन अ फिक्सड रेशियो दबस्टेंसेज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग सच एज वोलैनिक इप्शन automobiles, इंडस्ट्रीज etc. इट changes the द and एंड इट called कॉल्ड एयर पोल्यूशन आपके एयर में इन सारी सब्सटेंसेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके ऑटोमोबील से निकलती हैं इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, फैक्ट्री से निकलती हैं घर से निकलती हैं ये सारी अलग अलग चीजें भी एयर में जाके मिल जाती हैं जिसकी वजह से एयर पल्यूशन हो जाता है एक्टिविटी वन एम टू मेक अ चक्री take three thin strips of paper fold each strip in the middle pass these strips through one another as shown in the figure switch on the fan stand on a chair and release your chakri keeping the pointed center downwards what do you observe you can also mount your chakri with a pin on a stick to make a pinwheel firki तो अगर आप एक पेपर लेंगे और उसको फोल्ड कर करके एक व्हील टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे और बीच में उसको एक वुडन या पतली सी स्टिक से चिपका देंगे और फैन के नीचे लाने के बाद उसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वो एयर की मदद से ही मूव करेगा तो इससे पता चलता है कि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है अथिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड दी एटमोसफियर सराउंड आर ऑर्थ एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन थिंग्स विच सीम टू बी एम तो ब्लैंकेट है थिक ब्लैंकेट हमारे आसपास, इसको एटमोस्फेयर कहते हैं और काफी सारी ऐसी होती हैं जिसमें एयर होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है या हमें पता नहीं चलता in the inverted position with its open mouth facing downwards. The inverted glass bottle is put in water kept in a vessel as shown in figure A. We will find that water does not enter into the inverted glass bottle. The water does not enter into the glass bottle because the bottle is filled with air. Actually, all the space in the bottle is occupied by air. The air present in the empty glass bottle prevents the water from entering it. From this activity, we conclude that air occupies space if we tilt the bottle held in water we find that the air present in the bottle goes out in the form of air bubbles see figure b as the air from the bottle escapes water starts entering the glass bottle actually the space vacated by the air leaving the bottle is now occupied by water the above activity shows that a glass bottle which appears to be empty to us is actually filled with water बॉटल लेंगे और उसे कंटेनर में डालेंगे जिसमें पानी है बिल्कुल स्ट्रेट इन्वर्टेड फॉर्म में जिसमें ढक्कन नीचे की तरफ होगा आप देखेंगे कि पानी उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि बॉटल के अंदर ऑलरेडी एयर है जैसे ही आप बॉटल को हल्का सा टिल्ट करेंगे आपकी सारी एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगेगी और बॉटल के अंदर पानी जाने लगेगा तो हमारे लिए तो वो बॉटल खाली थी बट एक्चुअली में उस बॉटल के अंदर एयर थी एक्टिविटी थ्री To observe that oxygen present in air is needed for combustion, go to a room and close the windows and doors. Also, switch off the fans. Take three candles, light them, and fix them on a table at a distance from each other. Take one 250 ml beaker and one 500 ml beaker. Cover the first candle with a 250 ml beaker, cover the second candle with a 500 ml beaker. Leave the third candle uncovered. Observe what happens to each of the three candles. You will observe that the first candle covered with 250 ml beaker goes off first, then the second candle covered with 500 ml beaker goes off, the third candle that was uncovered continues to burn. The candles used the oxygen present inside the beaker for burning. When all the oxygen was used up, the flame. है दो बीकर लेमएल का एक फाइव हंड्रेड एम एल का दोनों को कवर कर देना है और तीसरे वाले को कवर नहीं करना है जो टू फिफ्टी एम एल वाला है वो सबसे पहले बुझेगा फिर पांच सौ एम एल वाला बुझेगा फिर तीसरे वाली जो कैंडल जो ओपन थी वो नहीं बुझेगी जो आपका एम जो बीकर थे अलग अलग वो जितना भी ऑक्सीजन था जब तक था तब तक लाइट जल रही थी कैंडल की जैसे ही वो सारा का सारा ऑक्सीजन यूज हो गया वो कैंडल बुझ गई इससे पता चलता है कि एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो कंबशन यानी कि किसी भी चीज की बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है फैक्ट फाइल स्मोक फ्रॉम लॉन्ग चिमनीज इज हार्मफुल टू बर्ड्स दैट फ्लाई हाई इन द एटमोसफियर जो आपकी चिमनी से स्मोक निकलता है जितनी भी बर्ड्स जो ऊंची ऊंची फ्लाई करती है उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है डस्ट एंड स्मोक एयर अराउंड यू अराउंडो कंटेन सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक फ्यूल्स बर्न स्मोक इज प्रोड्यूस्ड स्मोक ऑफ अ फ्यू एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी जो अलग अलग फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से अलग अलग टाइप का स्मोक निकलता है एयर में सस्पेंड हो जाता है वो आपके लिए ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स या प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होता है हैव यू एवर ऑब्जर्व लॉन्ग चिमनीस इन फैक्ट्रीज दो लॉन्ग हार्मफुल स्मोक एंड अदर वेस्ट्रीज अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग एटमोस्फियर जो बड़ी बड़ी चिमनीज फैक्ट्रीज में लगी होती है उनके थ्रू अलग अलग हार्मफुल गैसेज एयर में सस्पेंड हो जाती है डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दटमोस्फियर द प्रेजेंट वेरीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस हैव यू सीन टाइनी शाइनिंग डस्ट पार्टिकल्स इन द सन लाइट इन अ क्लोज डार्क रूम लेट इज परफॉर्म एक्टिविटी फोर टू ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर तो आपकी एटमोसफेयर में हमेशा ही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बस इनका जो साइज होता है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर करता है एक्टिविटी फोर एम टू ऑब्जर्व द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर गो टू अ रूम एंड क्लोज द विंडोज एंड डोर स्विच ऑफ द लाइट्स नाउ स्लाइटली ओपन अ विंडो और अ डोर फेसिंग द सन वट डू यू ऑब्जर्व

फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन योर नोज प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब आप नोज के थ्रू ब्रीद इन करते हैं तो नॉस्ट्रल्स की वजह से आपकी जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ सुथरी हवा जाती है यू शेड नॉट ब्रीथ थ्रू योर माउथ इफ यू डू सो द हार्मुल डस्ट पार्टिकल्स एंटर योर बॉडी आपको अपने मुंह के थ्रू सांस नहीं लेनी चाहिए नहीं तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे डू यू नो दैसेज फॉर्म्ड बाय द माउथ नोज थ्रोट एंड लंग्स थ्रू विच एयर पासिस थ्रू ब्रीदिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो आपका नोज आपका माउथ और जितनी भी विंड पाइप होती है जिससे आप सांस लेते हैं लंग्स तक पहुंचाते हैं इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है डू इट आप कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं एयर सपोर्ट्स लाइफ वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाईऑक्साइड यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लाट्स यूज कार्बन डाईऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिसटर्स सी हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो एयर हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स हो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स एयर की वजह से ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना बनाते हैं

Fact file.

Do you know? Sometimes we wrongly use the terms breathing and respiration interchangeably. Breathing is a physical act of taking in oxygen, giving out carbon dioxide, whereas respiration is the chemical process by which glucose in the body breaks down to give energy. तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को इंटरचेंजली यूज करा जाता है लेकिन ये गलत है ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्ट है जिसमें आप ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और लंग्स तक पहुंचाते हैं ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है एक्टिविटी फाइव एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल मटीरियल्स रिक्वायर्ड अ जार सम समल एंड जग ऑफ वाटर Method. Number one, take some soil in a jar. Number two, pour water into it. Can you see bubbles coming out?

crab and shrimp have special organs for respiration called gills gills help to take in oxygen and give out carbon dioxide some aquatic animals like dolphin and whale came to the surface of the water regularly to take in air since they breathe with the help of lungs aquatic plants like hydrelia also breathe in oxygen dissolved in water through their stomata the majority of aquatic animals hotei who gills ke through oxygen extract karte hai. Aur aapke jo aquatic Plants होते हैं, जैसे कि हाइट्रीलिया के थ्रू ही ऑक्सीजन नीड ब्रीदिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वॉटर क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर स्विम थ्रू वॉटर विथ पार्ट ऑफ देयर स्नाउट अब द वॉटर सर्फेस टू ब्रीद ईजीली थ्रू नॉस्ट्रल्स जम्स होते हैं जैसे आपके फ्रॉग्स हो गए क्रोकोडाइल्स हो गए एलिगेटर्स हो गए जिनकी बॉडी में लंग्स भी होते हैं और उनकी स्किन ऐसी होती है जो वाटर में भी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सकती है Do you know? Special measures should be taken for planting more and more trees along the रोथ साइड it not only protects the surroundings from harmful vehicular emission and noise but also makes the soil फेवरेबल फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट्स तो आपको आपके रोड साइड में मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए ये बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होंगे आपके ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब हो पाएंगी तो आपकी जो एयर की गैसेज हैं वो भी मेनटेन रहेंगी फ्रॉग्स हैव वेल डिवेलप्ड लंग्स टू ब्रीद इन एयर वैन ऑन लैंड इन वॉटर फ्रॉग्स ब्रीद हेल्प ऑफ दर मॉइस्ड स्किन जो फ्रॉग्स होते हैं जब उनको लैंड में ब्रीद करना होता है तो उसके लिए लंग्स होते हैं जब उनको वॉटर में ब्रीद इन करना होता है उनकी जो मॉइस्ड स्किन होती है वो वॉटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है इन बर्ड्स बर्ड्स है Birds have a pair of lungs with air sacs that remain open all the time so that air can easily pass through them. जो बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं वाइड ओपन ताकि फ्लाइट के टाइम पे हमेशा जो एयर है वो उसको अब्सॉर्ब कर सके इन मैमल्स मोस्ट मैम ब्रीथ हेल्प ऑफ लंग्स दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाई ऑक्साइड तो मेजोरिटी ऑफ जो मैमल्स होते हैं वो लंग्स की वजह से ब्रीद करते हैं और हमेशा ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ज एंड बैलेंस्ड हाउ तो आपके एयर में जो मेन दो कॉम्पोनेंट हैं वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज होती है जो मोस्टली अनचेंज रहती है बट ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं नंबर वन Animals inhale oxygen from the air and exhale carbon dioxide which goes into the air. Plants also use oxygen for respiration. जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नंबर टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल वुड एंड कोल यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइ ऑक्साइड विच मिक्स विद आप अलग अलग फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल हो गया डीजल हो गया वुड्स हो गए इनको जब आप बर्न करते हैं कंबशन करवाते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज कर देते हैं नंबर ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे गिव आउट ऑक्सीजन रिटर्न व्हिच गोज इनटू द एयर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं It is clear that animals cannot live without plants. Respiration by living organisms and burning of fuels by humans use the oxygen in the air and release carbon dioxide. On the other hand, plants use carbon dioxide in the air during photosynthesis and release oxygen. In this way, plants and animals help in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in the air. This shows the interdependence of plants and animals in nature. However, certain activities like air pollution, deforestation, and soil erosion upset the balance of gases in nature. तो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं सिमिलरली जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो इस तरीके से जो एनिमल्स ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स होता है इनका इंटरडिपेंडेंस चलता रहता है डू यू नो वेन एरोप्लेन फ्लाई दे मूव अगेंस्ट द एयर विल द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन बी मोर वेन इट फ्लाईज क्लोजर टू अर्थ और फादर अप दैन अर्थ बलून इट गोज अपर और कोल्ड एयर तो आपका जो एरोप्लेन होता है वो जब फ्लाई करता है वो की फोर्स के अगेंस्ट फ्लाई करता है इसी तरीके से जो आपके हॉट एयर बलून्स होते हैं जैसे ही उन बलून्स में हॉट एयर डाल दी जाती है वैसे ही वो फ्लाई करने लग जाते हैं अब ये लाइट एयर या हॉट एयर कौन सी लाइटर होती है वो आपको खुद पता लगाना है Importance of air. Air has many uses. We use air without knowing that we are using it. The flying birds, breathing plants, burning paper, sailing ships, etc., all need air. Without air, none of these things will take place. इसका मतलब ये है कि आप नोइंगली या अननोइंगली एयर को अलग अलग चीज़ों में यूज करते हैं शिप सेल होती है उसमें एयर का यूज होता है आप कोई चीज़ जलाते हैं उसमें एयर का यूज होता है आप ब्रीद करते हैं उसमें एयर का यूज होता है तो नोइंगली या अननोइंगली आपकी ऑलमोस्ट हर चीज में एयर की रिक्वायरमेंट होती है Air aids burning. Oxygen, one of the gases present in air, helps to burn things. Air is needed for breathing. Almost all living things need air to breathe. Oxygen present in the air assists in the process of respiration in plants and animals. Plants need air to make food. Plants need carbon dioxide, sunlight, and water to make their food. Carbon dioxide is also a part of air. We all depend on plants for food birds fly in air it helps them to fly higher into the sky the pressure of air along with other forces lets from float aeroplanes also go up in the air because of air pressure एयर प्रोपेल्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक बोट्स शिप्स ग्लाइडर्स काइट्स एटसेट्रा तो एयर की वजह से आपके प्लांट्स मूव करते हैं आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं आपकी जो शिप्स होती हैं वो सेल करती हैं जितनी भी अलग अलग चीजें होती हैं वो एयर के प्रेशर की वजह से ही होती है एयर के एक सर्टिन प्रेशर की वजह से It fills up empty spaces in things to make them more useful, for example, in tubes, balloons, tires, pillows, etc. It is used for drying agricultural products like grains, pulses, fruits, etc. This process is faster in moving air. Clothes become dry due to evaporation through hot air. Moving air helps in winnowing and separating grains from husk. Air helps in pollination of flowers and in dispersal of seeds. Breakers of trains and other automobiles also make use of air. Air helps in quick evaporation of sweat that helps in keeping us cool. Moving air is called wind. The wind makes the windmill rotate. The windmill is used to draw water from tube wells and to run machines. Windmills are also used to generate electricity. We cannot see air, but life would be simply impossible without it. आपकी जो विनोइंग होती है जो हस्क निकाला जाता है आपकी अलग अलग ग्रेन से वो विंड की वजह से होता है आपकी विंड मिल्स विंड की वजह से चलती हैं अलग अलग चीजें प्रोपेल होती हैं पॉलिनेशन आपका फ्लावर्स में टेक पेस करता है विंड की वजह से तो अलग अलग जो आपकी खाली चीजें होती हैं जैसे बलून हो गया उसमें आप एयर फिल करते हैं तो वो यूजफुल बन जाता है टायर्स में यूज होता है ट्रेन के ब्रेक में यूज होता है ऑटोमोबील्स के टायर्स में यूज होता है तो एयर के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल इंपॉसिबल हो जाएगी डू इट तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा

There is a mixture and is made up of nearly 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.04% water vapor, 0.03% carbon dioxide, and the remaining 0.03% are the inert gases. Some dust particles and smoke are also present. During respiration, oxygen is inhaled by human beings and animals, and carbon dioxide is exhaled. During photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen. Oxygen supports combustion. Animals living in water use the dissolved oxygen in water for their sustenance. Animals living in soil also uses oxygen trapped in soil. Atmosphere gets thinner with increase in altitude. Dust particles and smoke present in air are harmful. Air helps in seed dispersal and pollination of flowers. Wind, moving air, is used to generate electricity by moving windmills. तो इस चैप्टर में हमने विंड के बारे में, एयर की इмportance के बारे में, components के बारे में, कौनसी कौनसी gases होती हैं, एयर हमें किन किन चीजों में help करती हैं, और किस तरीके से प्लांट्स एक्वेटिक लाइफ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स सबके लिए एयर इसेंशियल है स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है